मत करो, तुम आराम से घर चले जाओ, ठीक है? अब तो जो हो गया वो हो गया, क्योंकि इसमें जब एक्सरे में कुछ नहीं है तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है? क्या फायदा, देखो पैसे पकड़ने वाले बहुत सारे मिल रहे हैं अभी, दे दो। इन पे भी है शाहनवाज भाई, इनके भी हाथ अब उधर साइड हमारी आज काउंसलिंग थी पुलिस लाइन में, वहाँ से हम लौट के आ रहे थे, ये हमारी बहन दिव्या शर्मा है। तो जैसे ही हम यहाँ पार्कर रोड पे आए थे ना, पीछे से हम पति से तेजाब फेंका, और जब देखा तो इसके हस्बैंड और इसके ससुर थे, उसका राजन पाठक नाम है और ससुर का रमेश पाठक के। कितने दिनों से विवाद चला रहे हैं? वैसे तो घर में लड़ाए थे लगभग 1.5 साल हो गया होगा, 2 साल, मगर जो विवाद चला वो 2 महीने से चला है। 25 दिसंबर को उन लोगों ने इसे नशा दे के लाइन पर फेंक दिया, तो जब से हमने प्रार्थना पत्र लगा के कार्रवाई चल रही है। क्या आप क्या आरोपी पकड़ में आए हैं पुलिस की? हाँ, उम्मीद तो पुलिस ने यही दिया कि पूरी कार्रवाई की उम्मीद की है उन्होंने, वो गए भी हैं आगे, तो क्या होता है आगे पुलिस का हाथ। अभी तक पकड़े नहीं गए हैं? अभी पकड़े नहीं गए हैं, कार्रवाई वो शासन लेके गए हैं जो थे यहाँ पे आए थे अधिकारी लोग, कह रहे पूरे को गलत सभी दिया तो जरूर पकड़े जाएंगे। जब ये घटना हुई तो बहने रहने थे ऑटो में, थे जा आ रहे थे घर के लिए, और ऑटो वाले वो लोग कितने थे? वो लोग 2 थे, बाप बेटे, इसके पति राजन पाठक और इसके ससुर। इससे पहले भी कोई घटना हुई इस तरीके की? इसके पहले नहीं हुई, दिसंबर 25 दिसंबर को करी थी इन लोगों ने, जब यही अपनी ससुराल में ही थी। से दिव्या शर्मा नाम की लड़की का है, इसकी शादी 2012 में हुई थी, और इसकी जो वहाँ पे बरेली में शादी हुई थी, इस लड़की के ना तो फादर है ना ही कोई भाई है। आज इसकी काउंसलिंग थी, इसकी फैमिली हमने उसमें डाली थी एप्लीकेशन 498 की, तो उसकी काउंसलिंग थी महिला पसायिका प्रकोष्ठ में आज, तो वहाँ से ही अपने घर जा रही थी, तो पीछे से इसके हस्बैंड ने और इसके फादर ससुर ने दोनों ने इसके ऊपर तेजाब डाल के इसको मारने का प्रयास किया। उससे पहले भी इसको 24 दिसंबर 2017 को मारने का प्रयास किया था, और नशे की हालत में इसको ट्रेन पे ट्रैक पे डाल दिया था बरेली में। और भी कोई था इसके साथ? इसकी बहन थी आज इसके साथ में, बड़ी बहन, ये उन्हीं के पास रहती है आजकल सूर्यनगर में। अभी कहाँ है? अभी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है एमरजेंसी में। लगभग 4 थी हमारे पास, दिव्या नाम थी, सस्पेक्टेड केमिकल बर्न के रूप में हमने उसको एडमिट किया है। कोई ना कोई केमिकल किसी भी तरह का हो सकता है, बेस हो सकता है, एसिड हो सकता है, तो उसके ऊपर डाला गया है, या तो डाला गया है या खुद रहा, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मरीज के ऊपर से गंध आ रही थी किसी केमिकल की, और काफ़ी लगभग आधा शरीर उसका जला हुआ था उससे, तो सीरियस कंडीशन है। अभी कैसे कह नहीं सकते कि कब तक इम्प्रूवमेंट होगा, एडमिट कर लिया है मरीज को, बाकी इलाज उसका चल ही रहा है। सर कितने परसेंट झुलसी है ये? ये लगभग 30% के लगभग, 35% के लगभग जो है जली हुई है। अब हालत कैसी है? हालत अभी तो सीरियस ही है, अभी कंडीशन हम सीरियस ही मानेंगे, क्योंकि अभी 35% भी काफ़ी ज़्यादा जला हुआ मानते हैं। सर एसिड अटैक कहाँ हुआ है? एसिड कहाँ फेंका गया, उसके फेस पे या बॉडी? फेस पे नहीं है, ये अच्छी चीज़ है कि फेस से थोड़ा सा नीचे, जो फेस का निचला हिस्सा होता है ठोड़ी के नीचे का, वहाँ पे गर्दन पे और सीने पे है, कमर पे है, फेस थोड़ा सा उसका बच गया है।